गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सबसे पहले आज हम लोग स्टेनोग्राफी की फर्स्ट क्लास को देखेंगे। देखने से पहले आपको बता दें कि हम ऋषि प्रणाली के हिंदी मीडियम में स्टेनोग्राफी की कोर्स कराएंगे। उसमें आपको सबसे पहले तीन चार चीज़ों की आवश्यकता है। उसमें आपको एक बुक ये जो दिख रही है ऋषि प्रणाली की है, ये बुक आपको खरीद लेनी है। आप अमेजोन या फ्लिपकार्ट से भी प्राप्त कर सकते हैं या फिर आपके नज़दीकी जो दुकान होंगे वहाँ से भी आप ये बुक खरीद लेंगे। इसके बाद आपको एक कॉपी खरीदनी है जिसकी लाइनिंग कम से कम 1 सेंटीमीटर हो दोनों बीच की गैप, और उसके बाद रबड़ पेंसिल और कटर, ये चीजें आपको रख लेनी है। चलिए हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। आपको बता दें कि स्टेनोग्राफी जो है एक लकीरों का खेल है। आप किसी भी टाइप से लकीर खींच रहे हैं, उसका कुछ मीनिंग निकालकर, और उसके माध्यम से हम किसी के बातों को जो ज्यादा स्पीड में बोले जाते हैं उसको अपने नोट डाउन करते हैं अपने कॉपी पर, और उसको समझ के और टाइप करके उसके पास प्रस्तुत कर देना ही स्टेनोग्राफी है और उसी का खेल है। और उसी खेल को आज हम लोग सीखने का प्रयास करेंगे। जैसे कि हिंदी व्याकरण में हम लोग जानते हैं कि भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है। वर्ण को दो पार्ट में बांटा जाता है, एक व्यंजन और एक स्वर। व्यंजन आपको 33 होते हैं और स्वर 11 होते हैं, अ आ और व्यंजन क ख ग ये सब होते हैं। उसी प्रकार से स्टेनो में भी हम लोग आज व्यंजन को सीखेंगे, मतलब कि कख को सीखेंगे, क्योंकि सबसे मेन चीज या मूल चीज यही है। आइए अब सीखने का प्रयास करते हैं हम लोग। सीखने में सबसे पहले आपको बता दें कि ये जो आपको डायरेक्शन दिख रही है 180 डिग्री की, और यहां से आपको बाएं से दाएं की तरफ एक कवर की लाइन है। कवर में हम लोग क्या लिखेंगे, क ख ग और घ को। उसी प्रकार से ये जो डायरेक्शन आपको दिख रही है 30 डिग्री की एंगल पर, ये र की लाइन है। मतलब कि लाइन से सटाकर कहीं अगर ऐसा हम 30 डिग्री पर खींच दें तो उसको क्या पढ़ेंगे, र पढ़ेंगे। उसी प्रकार से ये 60 डिग्री का जो एंगल आपको दिख रहा है ऊपर से नीचे, इसका डायरेक्शन क्या है, ऊपर से नीचे। एक बात इसमें ध्यान रखना है, डायरेक्शन और एंगल बहुत महत्वपूर्ण है। डायरेक्शन और एंगल चेंज होने पर आपका जो वर्ड है वो चेंज हो जाता है, तो इसीलिए आप डायरेक्शन और एंगल को अभी ध्यान देने की आवश्यकता है, उस पर गौर करेंगे। इसका डायरेक्शन क्या है, ऊपर से नीचे की साइड में। इससे हम लोग क्या डोनेट करेंगे, चवर्ग को। चवर्ग में क्या क्या आएगा, च छ ज और झ। फिर ऊपर से नीचे 90 डिग्री के एंगल पर इसको क्या है, टवर की लाइन है। टवर में क्या क्या हम लोग डिनोट करेंगे, ट ठ ड और ढ को। फिर ये क्या है, 120 डिग्री के एंगल पर ऊपर से नीचे पवर की लाइन है, इससे हम लोग डिनोट करेंगे प फ ब भ को। आइए अब इसको देखते हैं। ये जो लाइन है आपको ऊपर से नीचे की साइड में, इससे हम लोग टवर को डिनोट करते हैं, या इस साइड से भी लिख सकते हैं, और आप इस साइड से भी अगर लिखेंगे वो भी आपको टवर रहेगा। दोनों क्या है, त की आउटलाइन है। तो यहां हम लोग क्या डिनोट करेंगे, इससे त थ द और थ को। ठीक है, जो चांद के आकार का आपको दिख रहा है बाएं से दाएं की ओर ऊपर जाते हुए, इससे हम लोग डिनोट करेंगे न को। ये दोनों न के लिए यही आउटलाइन है। उसके बाद ये बाएं से दाएं साइड में जो दिख रहा है आपको चांद ऊपर के साइड में, तो इससे हम लोग डिनोट करेंगे म को। ठीक, अब आइए इसको समझते हैं। ये जो लाइन है ऐसे, इससे हम लोग डिनोट करेंगे र को। इसका डायरेक्शन क्या रहेगा, इस साइड से। ठीक, आपको पता है कि एक र हम लोग इस तरह भी लिखते हैं, 30 डिग्री के एंगल पर नीचे से ऊपर की ओर खींच देते हैं, ये आपको र पढ़ा जाता है। दो प्रकार से र को लिखते हैं, एक इस तरह से और एक 30 डिग्री के एंगल पर नीचे से ऊपर की ओर कर दें तो इसको र पढ़ा जाएगा। ल, ल की बात करें तो इस साइड से आपको ऊपर से नीचे की ओर और नीचे से ऊपर की ओर, इसकी डायरेक्शन दोनों साइड में होती है, नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे, तो इसको क्या पढ़ा जाएगा, ल। अब आइए स की बात करें, तीनों स के लिए एक ही रहती है, ऊपर से नीचे की ओर इस साइड से ऐसे करके अगर खींच रहे हैं तो ये तीनों स की लाइन यही है, और ऊपर से नीचे ये खींच रहे हैं तो यही स की लाइन है। अब आपको ये चीज एक क्वेश्चन दिमाग में आता होगा कि आखिर हम किस स के लिए ये लाइन खींचेंगे, पता कैसे चलेगा कि कौन स को हम ऐसे डिनोट करें। तो हम आपको बता दें कि अगर आप कहीं भी अगर आप वर्ड के साथ लिख रहे हैं सर,
मान के चलिए अगर हम सर लिख रहे हैं तो ये सर हम ऐसे खींचे और उसके बाद ऐसे खींच दिए, तो ये क्या हो गया आपका स का लाइन और ये हो गया आपका र का लाइन सर। तो सर जब आप आउटलाइन अपने कॉपी पर लिखिएगा तब टाइप करने जाइएगा आपको खुद पता चल जाएगा स में कौन सा स हमको लिखना है, ए वाला सर लिखना है कि ए वाला सर लिखना है कि ए वाला सर लिखना है। तो वहां आपको जो सूट वर्ड लगे तो जो एग्जैक्ट वर्ड हो वो वाला आपको सर ऑटोमेटिक आपके दिमाग में आ जाएगा, आपको पता चल जाएगा यहाँ कौन सा हमको लिखना है। इसकी आउटलाइन एक ही होती है उसी से हम लोग तीनों को डिनोट कर लेते हैं। अब एक और आपके दिमाग में क्वेश्चन आता होगा कि स इधर से हम भी लिखते हैं और इधर से भी लिखते हैं, दो लिखने की क्या आवश्यकता है, एक ही से काम चल जाता। तो यहां आपको बता दें कि मान लीजिए अगर हमको वर्ड जब ऐड करने की बात आती है, सर लिखने की बात आई, तो सर को हम लोग एक ऐसे लिख सकते हैं स और र, एक और ऐसे स और र। ये लिखने में आपको कठिनाई उत्पन्न होगी, आपको कलम ऐसे करके ऐसे घुमाना होगा तो टाइम ज्यादा लग रहा है, लेकिन ये अगर आप लिखिएगा ऐसे स र कितना जल्दी और फास्ट में हो गया। तो इसीलिए फास्ट में लिखने के लिए और आसानी से वर्ड पहचान में आ जाए, अगर फास्ट में आप लिखिएगा तो सर ऐसे भी घूम जाएगा तो फिर ये आउटलाइन दूसरी बन जाएगी, तो यहाँ कठिनाई होगी। इसीलिए फास्ट में लिखने के लिए और स्पष्ट तरीका से पढ़ पाए तो ये इसकी आउटलाइन दो दो बनाई गई है, स की भी और यहाँ त की भी। अब चलिए तीन स्टेप हम लोग समझ लिए पूरे, उसके बाद अब हम लोग लिखना स्टार्ट करते हैं कैसे लिखेंगे। अब क की बात करें क वर्ग में, तो क की लाइन क्या होती है 180 डिग्री बाएं से दाएं। यहां अगर लाइन से सटा के हम ऐसे रेखा खींच देते हैं तो इसको क पढ़ा जाता है, ठीक। उसके बाद यही लाइन से सटा कर और इसको काट देते हैं रेखा खींच कर, उसको ख पढ़ा जाता है। फिर यहां अगर मोटा लाइन खींच देते हैं, ये क का ही लाइन है इससे थोड़ा मोटा रहेगा, यहां ध्यान रखना है कि डबल पेन आपको यूज नहीं करना है, मतलब डबल बार ओवरलैपिंग नहीं करनी है, एक बार बस मोटा थोड़ा सा दबा के पेंसिल से खींच देनी है, उसको पढ़ा जाएगा ग। और फिर यहां आपको मोटा चला के उस वक्त कट कर देना है, ये पढ़ा जाएगा आपको घ। ये हो गया आपका क वर्ग। अब बात करेंगे च वर्ग। च वर्ग में क्या आता है, ऊपर से नीचे की तरफ साइड में 60 डिग्री के एंगल पर, इसका डायरेक्शन क वर्ग का ऐसे, च वर्ग का ऊपर से नीचे 60 डिग्री पर, लाइन से सटाकर ऐसे अगर खींच देते हैं इसको पढ़ा जाएगा 60 डिग्री के एंगल पर च। और फिर अगर ऐसे खींच के इसको कट कर देते हैं तो छ, ठीक। फिर अगर ऐसे इसको मोटा खींच देते हैं तो ज, और यहां इसको मोटा खींचकर और कट कर देते हैं तो ये हो गया आपको झ। अब बात करेंगे टठर डरा की। टठर डरा में ऊपर से नीचे की ओर हमको खींचना है 90 डिग्री के एंगल पर, 90 डिग्री के एंगल पर ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे अगर खींचे ऐसे ये हो गया आपका ट, ऊपर से नीचे खींचे काट दिए तो ठ, मोटा खींच दिए तो ड, मोटा खींच के अगर काट दिए तो ध, ठीक। टठर ड हो गया। अब बात करेंगे हम लोग तथ दधा की। आपको पता है कि ऊपर से नीचे हम लोग खींचते हैं इस साइड से तो ये त, या फिर इस साइड से तो त, ऐसे खींचे या फिर ऐसे खींचे तो ये त पड़ जाता है। यहां हम लाइन ऐसे खींच दिए तो इसको क्या पढ़ा जाएगा त, इधर से भी आप बना दिए तो त, यहां खींचकर काट दिए तो थ, यहां खींच के काट दिए तो थ, फिर यहां मोटा लाइन खींच दिए तो द, दोनों साइड से आप खींच सकते हैं, किसी एक का यूज करना है, ठीक। उसके बाद फिर ध को यहां मोटा खींच के कट कर दिए ध, यहां मोटा खींच के कट कर दिए तो ध, यहां बहुत छोटा कट करना है, पूरा बड़ा नहीं कट करना है, बड़ा आप कट करिएगा तो क्या हो जाएगा क हो जाएगा, फिर तो दिक्कत हो जाएगी। अब बात करेंगे प वर्ग की। प का आपको आउटलाइन पता है कि 120 डिग्री ऊपर से, इसका डायरेक्शन कहां रहेगा ऊपर से नीचे की ओर, यहां 120 डिग्री, या ए वाले लाइन खींच दिए ऐसे 120 डिग्री पर तो ए पढ़ा जाएगा आपको प, फिर यहां 120 डिग्री पर खींच दिए और काट दिए तो ह, फिर यहां अगर मोटा करके खींच दिए तो ब, यहां मोटा खींच के काट दिए तो भ, ठीक। अब बात करेंगे हम लोग का हो गया। अब बात करेंगे न की। न उल्टा चांद की साइड में है, ऐसे घर के बाएं से दाएं खींचते हैं तो न, दोनों न के लिए एक ही वर्ड है न, इसका डायरेक्शन इस साइड से रहेगा, ठीक। फिर म, म को ऐसे घींच के तो वो हो जाएगा म, तो यहां अगर इसको ऐसे घींच देते हैं इसका डायरेक्शन इस साइड से, इस साइड से बनाइएगा इस साइड से तो गलत होगा,
कैसे बनाना है, तो बाएं से दाएं के साइड में ओ पढ़ा जाएगा आपको म, ठीक है। यहां एक और चीज आपको ध्यान रखना है कि ये जो न है जो हम लोग कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, यही न को अगर हम म लिखे और कट कर दे वो भी आपको न पढ़ा जाएगा, ठीक। म लिखे और कट कर दिए तो क्या पढ़ा जाएगा, न पढ़ा जाएगा। फिर न लिख के कट कर दिए तो पढ़ा जाएगा म। इसमें ध्यान रखना है कि अगर आप न लिख कर कट करेंगे तो म पढ़ा जाएगा, म लिख कर कट करेंगे तो न पढ़ा जाएगा। ऐसे दोनों का आउटलाइन अलग अलग है, लेकिन अगर कट करेंगे तो चेंज हो जाता है, ठीक। ये ध्यान आपको रखना है। चलिए अब हो गया कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग। अब यर अलावा की बात कर लेते हैं हम। यर की बात करें तो यर की आउटलाइन ऐसे होती है, इसका डायरेक्शन ऐसे, ऊपर से ऐसे नहीं खींचनी है, ऐसे खींचेगा तो गलत हो जाएगी। नीचे से आपको करके और ऊपर के साइड में ऐसे ले जाना है, इसको पढ़ा जाएगा या। और फिर या के बाद क्या, र। र का हम लोग पता है कि दो तरह से लिखा जाता है, एक तो ये 30 डिग्री वाला ऐसे खींच दिए तो र, या फिर एक ऐसे करके ऐसे कर दिए ई वाला, तो ये भी पढ़ा जाएगा आपको र। उसके बाद ल, ल का आपको दो साइड से होता है, यहां अगर हम ऐसे करके ऐसे लिखते हैं तो इसका डायरेक्शन ऐसे तो भी ल पढ़ा जाएगा, या फिर ऊपर से नीचे इसका डायरेक्शन ऐसे तो भी ये ल पढ़ा जाएगा, ठीक। ये दोनों साइड से होता है। अब उसके बाद आती है व, इस साइड से अगर हम लिखते हैं इसका एंगल, इसका डायरेक्शन कैसे रहेगा, ऐसे रहेगा, ठीक है। ऐसे करके अगर हम लिखेंगे तो उसको पढ़ेंगे व, या को ऐसे और व को ऐसे। उसके बाद हम बात करते हैं ह का, नहीं तीनों स का बात कर लेते हैं, ठीक। तीनों स की आउटलाइन जो होती है वो ऐसे करके होती है, ऐसे या फिर ऐसे, ठीक, ऐसे तीनों स की हो गई। उसके बाद ह की बात करें, ह का आपका आउटलाइन ऐसी होती है और ऐसे, ये सब जो चार पांच वर्ड है आपको याद करने होंगे, ठीक। ह को इसका डायरेक्शन ऐसे, इस साइड से करके हम लिख दे तो उसको भी ह पढ़ेंगे, या फिर ऊपर से नीचे की साइड में करके लिखे, दोनों ह है। जहां जिसकी जरूरत पड़ेगी, जहां हमको आसानी होगा जो वर्ड लिखना, वहां हम इसका यूज कर लेंगे। अब बात करते हैं छ की, छ छ छ। देखिए ये जो छ है यहां, ठीक है, जैसे न, एक न लिखे दोनों को समझ लिए, एक स लिखे तीनों स को समझते हैं, उसी प्रकार से अगर कहीं हमारे पास छ ए छ आता है तो हम ई छ को ही लिखकर इस छ को समझ लेंगे, इसको रख के काट लेंगे। अगर कहीं वर्ड आपको बोला जा रहा है, कोई बोल रहा है कि लिखिए क्षेत्र, तो क्षेत्र आप कैसे लिखिएगा, ये हो गया आपका छ, त्र का आंकड़ा लगता है, ठीक। ठीक है, अगर आप क्षेत्र अगर शॉर्ट हैंड में लिख लिए ऐसे, ठीक, तब फिर आप जब टाइप करने जाइएगा तो यहां पढ़िएगा क्षेत्र, तो क्षेत्र जब आप पढ़िएगा तो क्षेत्र तो आप ऐसे नहीं लिखिएगा, आपको अवश्य पता चल जाएगा कौन सा यहाँ क्षेत्र होगा, ये ऐसे वाला क्षेत्र होगा, ठीक है। तो उसी से हम लोग इस छ को भी डिनोट कर लेंगे इसी से। उसके बाद आता है आपका त्र, त्र। अगर आप त और र लिखते हैं, जैसे ये आपका क्या हो गया, यहां हो गया आपका त, इसी में आप आगे पढ़िएगा कि आंकड़ा लगता है र का, तो त र, अगर ऐसे आप बड़ा में करके लिखते हैं तो त र, त र, तो त र से आप पढ़ लेंगे, कहीं त्रिशूल लिखा होगा तो आपको पता जाएगा त रसूल, त्रसूल अगर आप लिख रहे हैं तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ ई वाला त्र रहेगा वहां पे, तो इसीलिए त्र को ऐसे ही डिनोट करते हैं, ठीक है। यहां हम लोग समझ लिए पूरे व्यंजन को, क वर्ग, च वर्ग, उसके बाद ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, यर लला से लेके लास्ट तक। उसके बाद आता है आपका एक वर्ड ग्या, ग्या को कोई अलग चीज नहीं है, ग और य लिख दिए, ये है आपका क्या, ग, ये वाला ग, और फिर इसमें य लगा दिए, ये वाला य, तो ये हो गया आपका ग्या। इसी से हमको अगर ज्ञान लिखना होगा कहीं तो गे या, और उसके बाद फिर इसमें न लगा देंगे, ठीक, तो ये पढ़ा जाएगा आपको ज्ञान। तो ज्ञान कहीं आएगा तो आपको तो ज्ञान ऐसे नहीं लिखिएगा, तो पता चल जाएगा कि ज्ञान ये वाला है, तो यहाँ आप लोग ये वाला ज्ञान अवश्य लिखिएगा, ठीक।
चलिए हम लोग ये सारे चीजें समझ ले। आपको दिमाग में आता होगा कि यहाँ नहीं लिखा गया है दो वर्ड क ख ग घ अंग, अंग की आवश्यकता नहीं पड़ती है इसीलिए हम लोग नहीं लिखते हैं। उसके बाद यहाँ उसकी भी आवश्यकता नहीं पड़ती है तो इसीलिए हम लोग उसको नहीं लिखते हैं। ऐसे लिखने के लिए आप लिख लीजिएगा लेकिन इसकी आवश्यकता नहीं पड़ती है। ठीक, इतना कुछ आपको एक दिन का होमवर्क रहेगा क्या कि आप अपने कॉपी एक जो एक इंच के बीच में डिस्टेंस होगा उस पर ये तीनों डायरेक्शन बनाएंगे, पहले एक दो उसके बाद तीन, उसके बाद ये आपको अपने से लिखना है पूरे इस चीज को एक कॉपी में। फिर उसके बाद अगले जो कॉपी है उसमें आपको अपने से कह का पूरा लिख लेना है और अपने से याद करके इसकी आउटलाइन बनानी है, कम से कम दो तीन बार इसको रिविजन करके, तब आप जो दिए गए व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें पीडीएफ बना के उसको भेज देनी है ताकि वहां चेक कर लिया जाए कि आपने जो लिखा है वो सही है कि गलत है, क्या है उसमें, क्या आपको उसमें सुधार करने की आवश्यकता है। आज के लिए हम लोग इतना ही पढ़ते हैं, अगले क्लास में हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग वर्ड को ऐड कैसे करते हैं। ठीक, ये व्यंजन हम लोग के पास आ गया तो व्यंजन जब मिल गया उसको ऐड कैसे करेंगे ताकि शब्द बना सके, तभी शब्द बनेगा उसके बाद हम लोग वाक्य बनाना शुरू करेंगे। चलिए, थैंक यू।